नारायण गिरी बलूचिस्तान में हिंदुओं का पवित्र स्थल हिंगलाज तीर्थ है। देश के बर्बारी के पहले अधिकांश लोग यहां स्थित देवी मूर्ति का दर्शन करने जाते थे। इस स्थान का दर्शन करने के लिए नारायण गिरी ने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, जाने को तुम जा सकते हो, पर दर्शन की तीव्र इच्छा हो तो यही देवी का दर्शन कर सकते हो। ये बात सुनकर नारायण ने कहा, इससे बढ़कर कौन सा सौभाग्य होगा। आधी रात के समय बाबा ने नारायण गिरी से कहा, देवी आ रही है, उनका चरण स्पर्श करना। थोड़ी देर में एक प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के भीतर से सिंह पर सवार देवी की मूर्ति आविर्भूत हुई। इस प्रकार अमृतनाथ ने अपने शिष्य की मनोकामना पूरी की। अमृतनाथ में एक विशेषता थी, वे एक स्थान पर जमकर नहीं रहते थे, हमेशा भ्रमण करते रहते थे। अपने निवास स्थान से दो रोटी और करील का साग खाकर रवाना हो जाते और 24 घंटे में 156 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वापस आ जाते थे। किसी भ्रमण काल में एक बार रामगढ़ कस्बे से गुजरते समय एक खेत में गाजर देखी तो किसान से कहा, बच्चा कुछ गाजर खाने की इच्छा है। किसान अपने कार्य में व्यस्त था। उसने कहा, महाराज खेत से जितनी इच्छा हो खा ले। महाराज को काफी भूख लगी थी, 3 क्यारी गाजर उखाड़ कर खा गए। यह देखकर किसान की आंखें फटी सी रह गई। उसकी रोनी सूरत देखकर बाबा उसकी मनोस्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, देख तेरा खेत तो पहले की तरह हरा भरा है। अब जब किसान ने अपने खेत की ओर देखा तो चकित रह गया। तुरंत उसने महाराज के चरण पकड़ लिए। सन 1912 में महाराज ने निश्चय किया कि वे अब भ्रमण नहीं करेंगे, कहीं स्थान बनाकर स्थायी रूप से रहेंगे। इसके साथ ही एक विचित्र आदत भी उन्होंने अपनाई, अब अपना सारा कार्य लेट कर करने लगे। अपने अनुभवों के आधार पर शिष्यों को सहज योग के बारे में समझाते रहे। सहज योग के बारे में उनका कथन है, मूलाधार चक्र शरीर में स्थित व्यर्थ मल को शरीर के बाहर निकालता है। इसका आकार हाथी की सूंड के समान है। मूलाधार चक्र के अशुद्ध रहने पर सारा शरीर दोष युक्त रहता है। स्वादिष्टान चक्र लिंग स्थानीय है, यह मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। मूलाधार चक्र में 40 मिनट तक और स्वादिष्ठान में 80 मिनट तक व्रति संयमित करने से धैर्य विवेक और बल की प्राप्ति होती है। मणिपुर चक्र से सारे शरीर को पोषण मिलता है, इसमें प्राण और अपान का मेल होता है। श्वास ऊर्ध्वमुखी होकर शिखर में पहुंचती है। मणिपुर चक्र में 160 मिनट तक ध्यान करने से शांति आनंद समता निर्मोहता वैराग्य तन्मयता और एकांत प्रियता होती है। अनाहत चक्र का स्थान हृदय है, यहाँ प्राण वायु का निवास है। इस वायु से शरीर का रक्षण और पोषण होता है। अनाहत चक्र में 320 मिनट तक चित्त वृत्ति एकाग्र करने से अथवा 4800 बार श्वास लेने से निर्लोभता प्रेम सत्यता समदर्शिता अहिंसा भावना दया और क्षमा की प्राप्ति होती है। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ है। आज्ञा चक्र का स्थान भ्रूमध्य त्रिकुटी है, यहाँ 200 मिनट तक ध्यान के द्वारा या फिर 3000 श्वास की आवृत्तियां पूरी होने पर वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। त्रिकुटी में नेत्र स्थिर करने से मन की चंचलता मिट जाती है, बाहर भीतर के अंग प्रत्यंग दिखाई देने लगते हैं। सहस्रार का स्थान मस्तिष्क है, समस्त ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान है, इसमें सद्गुरु रहते हैं। यही ब्रह्म स्थान अमल लोक भ्रमर गुफा कहलाता है। महाशक्ति कुंडलनी का प्रवेश इसी में होता है, यहीं से अद्वैतानुभूति होती है, यहीं से अमृत झरता है। इस स्थान पर व्रति का स्थिर होना सहज समाधि है। जो लोग योग के लिए व्याकुल रहते हैं उन्हें चाहिए योग की परिभाषा का ज्ञान वे योग के गुरु से लें।
बाबा अमरनाथ ने सह समाधि के बारे में जो प्रवचन दिए वह अन्य योगियों द्वारा वर्णित परिभाषा से अपेक्षाकृत सरल है। सन 1913 में बाबा ने निश्चय किया कि अब वे प्रकृति प्रदत्त मधु का सेवन करेंगे, अन्य या अन्य कोई सामग्री नहीं खाएंगे। लगातार 10 माह तक वे नित्य 1 किलो मधु का सेवन करते रहे। इसके बाद 2 माह तक 1 किलो नींबू का रस पीते रहे। इसके बाद 4 माह तक प्रत्येक घंटा 1 किलो दूध पीने लगे, यानी 24 घंटे में 24 किलो दूध। इन दिनों जितने रोगी आपके निकट आते रहे सभी को उपचार बताकर स्वस्थ करते रहे। जीवन का अंतिम काल आया जानकर अमृतनाथ जी ने अपने शिष्य ज्योतिनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सन 1916 में आपने शरीर त्याग किया। 1 वर्ष बाद फतेहपुर शेखावटी में बाबा का समाधि मंदिर बनाया गया, जिसका दर्शन करने के लिए भक्त और नाथ संप्रदाय के संत बराबर आते हैं। एक बार बाबा फतेहपुर थाने के पास से गुजर रहे थे तो थानेदार ने अकारण बेंत मारी। बाबा के मुंह से शाबाश शब्द निकला और वह तुरंत पागल हो गया। यह दृश्य देखकर थाने के अन्य लोग घबरा उठे। बाबा से प्रार्थना की, कृपया इसे ठीक कर दें। बाबा ने कहा, इसे खूब छाछ पिलाओ, ठीक हो जाएगा। छाछ पिलाते ही थानेदार ठीक हो गया। बाबा स्वयं भी दही और छाछ के प्रेमी थे। छाछ पिलाकर अनेक असाध्य रोगियों का रोग दूर कर चुके थे। एक बार शाम के समय एक भक्त 10 किलो छाछ लेकर आया। बाबा शाम के समय केवल दही का सेवन करते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, इसका दही जमा दो। शिष्य ने चकित होकर कहा, बाबा ये दूध नहीं छाछ है, ये कैसे जमेगा। बाबा ने कहा, जैसा कहा वैसा करो। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि छाछ पूरी तरह से दही बन गया है। साधारण भक्त बाबा की योगिक शक्ति से प्रभावित थे। उन्हें विश्वास था कि बाबा ने अवश्य ही ईश्वर के दर्शन किए हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा, बाबा माया जब छाया है तब तो ईश्वर उसके सहगामी होंगे। बाबा ने कहा, नहीं, माया सनातन है, वह ना सत है ना असत है, वह अनादि है अनंत है। क्योंकि ईश्वर अनादि और अनंत है, इसलिए उसकी छाया माया भी अनादि और अनंत है। भ्रम के बल से माया के द्वारा जीव के आधार हेतु जगत की सृष्टि हुई है। यह परिवर्तनशील है। सृष्टि की रचना का सूक्ष्म तत्व यह है कि भ्रम रूप महाआकाश में भरे महाप्राण से स्पंदन से नाद हुआ, नाद से परमाणु उत्पन्न हुए, परमाणु से सृष्टि हुई। गुणात्मक परमाणु भी सत्व रज और तम है। इन्हीं गुणों से कार्य कारण संबंध होता है, जगत की रचना होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूतों के तत्वों से स्थूल शरीर की रचना होती है। चित्त मन बुद्धि और अहंकार इन 4 अंतःकरणों 5 तन्मात्रा से सूक्ष्म शरीर बनता है। चित्त का स्थान हृदय है, मन का स्थान मणिपुर चक्र है, बुद्धि अहंकार का निवास स्थान मस्तिष्क है।